हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 36 को पढ़ेंगे, मगर प्यार से। क्या कहता है सेट नंबर 36? एक पुस्तकालय में रविवार को अंकतुकों की औसत संख्या 510 है और 240 अन्य दिन पर है। एक रविवार के साथ शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझो सभी लोग, जब कोई मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है तो एक महीने में 5 संडे होंगे। कितने होंगे? 5 संडे होंगे और उसके बाद 25 अदर डेज होंगे। सर ऐसा क्यों? सीधी बात, 7 चौक 28 स्टार्टिंग संडे से है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए। प्यारे दोस्तों, अगर मैं 5 और 25 का रेशियो ले लूं तो 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा। संडे वाले दिन हमसे खुलकर कह रहा है कि 510 लोग आते हैं और इसमें 240 आते हैं और औसत चाहिए। या तो आप ऐसा करो, 510 गुणा 1 240 गुणा 5 डिवाइड बाय 6, या ऐसा करो कि मिनिमम 240 तो आते ही आते हैं। देखा ये जाए इससे कितना ज्यादा, 270 ज्यादा बटेगा तो सब में बटेगा 6 से डिवाइड। जब आप 6 से डिवाइड करोगे ये 45 आएगा। प्यारे दोस्तों, 285 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 285। भाई रविवार को, भाई सीधी सी बात, रविवार में भीड़ ज्यादा बढ़ रही है तो हर रविवार को 510 510, तो एक महीने में 5 संडे बचेंगे और 25 अदर डेज होंगे। बोलो हाँ। तो रेशियो लेंगे अगर 5 25 का तो 1 और 5, 510 240 इससे कितना ज्यादा, तो सीधी सी बात 270 ज्यादा, और 5 और 1 6 से भाग दोगे 45, 240 45, 285 इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा प्यारा क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, छोटा बम है ये क्वेश्चन और इसे प्यार से समझेंगे। हम लोग जितना प्यार से पढ़ेंगे उतना खुशी मिलेगी। जी हां, कहता है एक विद्यालय के प्रेक्षा गृह की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10x30x10 है। यदि हवा का घनत्व 1.3 किलो प्रति घन मीटर है तो प्रेक्षा घर के भीतर वायु का द्रव्यमान क्या होगा? हम जानते हैं कि जो मास होता है वो वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है, आयतन गुणा डेंसिटी। हमसे मास पूछा गया है तो कमरे का जो आयतन होगा बचा 10x30x10, तो इसका गुणा कर लो 10x30x10 और 1.3 इसकी डेंसिटी है, तो ये आ गया 3000 गुणा 1.3, दैट मींस 3900 केजी इसका मास होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3900 आंसर होगा। दोस्तों निरंतर पढ़ेंगे तो आंसर भी आएंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सीखेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 एक प्यारा क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 832 है और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 800 है। 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब हमने पढ़ाई हुई है, उसे आप पढ़ रहे हो। बोलो हाँ। देखो 2 साल का साधारण ब्याज क्या है? 800 है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज 400 400 मिलेगा और 832 कंपाउंड इंटरेस्ट है, 800 कम कर दो तो बचा 32। बोलो हाँ। पर देखा जाए अगर हम फिर से, क्योंकि तीसरे वर्ष का सीआई मैंने ऐसा ही चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे तो ये 400 आएगा, ये 32 दुना 64 हो जाएगा। क्यों? याद करो प्रकाश सर डब्बा मेथड हमने पढ़ाया हुआ यूट्यूब में, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा। बोलो हाँ। पहले 1 1 1 1 2 1, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये सभी में साधारण ब्याज सेम होंगे, ये 2B होगा। इसका आर परसेंट, इसका आर परसेंट और इसका भी आर परसेंट, आप जाकर देखिए खुशी मिलेगी।
मेरे मासूम से दोस्तों, देखा जाए इस 400 का 8% 8 × 32 साफ साफ समझ में आ रहा कि 8% होगा, मतलब R की वैल्यू 8% आएगी, क्योंकि परसेंटेज दो जीरो खा जाएगा 8 × 32, तो इसी 32 का 8% यहां लिखेंगे दोस्तों। 8 × 2 = 16 एक हासिल, 8 × 3 = 24 = 25 बोलो हाँ, दो डिजिट के बाद दशमलव लगा लो तो ये 2.56 आएगा। हमसे कह रहा है सीआई माइनस एसआई बताओ, तो 3 साल का सीआई माइनस एसआई ये होगा, 3 साल का सीआई माइनस एसआई होगा 64 = 32 होता है 96 और 2.56 दोस्तों 98.56 इसका सीआई माइनस एसआई होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 98.56। कैसा लगा विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, खुशी तो मिली होगी। देखो 2 साल का साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, मतलब प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। 2 साल का साधारण ब्याज 800, तो ये 400, ये 400, अगर 3 वर्ष कह रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ये भी 400। अब 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज 832, तो 32 रुपए ब्याज मिला, 400 का 32 मतलब 8%, तो इसका भी 8% यहां लिख दोगे और 32 × 64 यही 3 साल का सीआई माइनस एसआई। एक अच्छा क्वेश्चन है और प्यार से सिखा दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से मेरे मासूम से दोस्तों, मासूम से दोस्तों, जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है x का वास्तविक मान ज्ञात करें जिसके लिए व्यंजक इतने का न्यूनतम मान, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। मिनिमम वैल्यू चाहिए किसकी, x²-6x+10 की, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। इसमें बचपन की यादों से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर y बराबर दिस वन, हम इसका dy/dx निकाल लें, थोड़ा मैथ लगा रहे हैं कैलकुलस, तो ये 2x-6 हो गया बराबर 0, तो बस x = 3, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। जिन मासूम से बच्चों को नहीं मालूम उनको समझा देते हैं, जैसे x^n = y है, हमसे कोई कहते dy/dx लगा दो तो कहेंगे n आगे आएगा xn-1, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ज्यादा नहीं। अगर हमसे कोई कह दे कि सर y = x² है तो कह दो dy/dx लगा दो, तो ये 2 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम तो 2x हो जाएगा, पावर में एक कम 2x हो जाएगा। सेम ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे सीखेंगे क्या, मगर प्यार से। हमसे कोई कहते y = x है तो dy/dx की वैल्यू बच्चा 1 हो जाती है, और y = अगर कांस्टेंट है तो dy/dx 0 के बराबर आ जाएगा, किसके, 0 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा है ये बात आप तक पहुंच रही होगी, चीजों को आप समझ रहे होंगे, बोलो हां। चलिए तो गाइस ये चीज समझ गए। अब इसमें मिनिमम को मैं फिर से बता दूं, हमसे कह रहा है y नहीं दिया x²-6x+10, कह रहा है x का कौन सा मिनिमम मान पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो dy/dx, तो ये आगे आ गया ये 2x, यहां से x गैप 6 और 10 कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब ये dy/dx को 0 के बराबर करेंगे तो x = 3 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। 4 के बाद 5वां भी एक प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, हर एक चीज को हम लोग प्यार से सीखेंगे तभी तो जानेंगे। दोस्तों धैर्य संयम और विवेक का परिचय दीजिएगा। यदि 2 वर्ष में 64 रुपए के 83 रुपए 20 पैसे हो जाते हैं तो 4 वर्ष में उसी दर प्रतिशत प्रति में दर प्रतिशत प्रति वर्ष में 86 रुपए कितने हो जाएंगे। एक चीज समझो, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो गया, 64 रुपए हमारा मूलधन हो गया, रेट हमें मालूम नहीं, टाइम 2 साल हो गया बटा 100, और जो अमाउंट दिया गया है वो 83 रुपए 20 पैसे, अगर 64 में 83 रुपए 20 पैसे घटाओगे तो 19 रुपए 20 पैसे आएगा, बोलो हाँ। ये हमारा एसआई हो जाएगा, ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, इसका इसका हैप्पी बर्थडे, 64 से ये 30 बार में जाएगा और 2 से ये 15 बार में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आ गया 15%, बोलो हाँ।
अब हमसे कहता है 86 रुपए का 4 साल के लिए। भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, 4 साल का 60% होगा। अरे बोलो हाँ भाई, 1 साल का 15%, 4 साल का 60%, अर्छंग छचरंग 36 तीन हासिल, अर्छंग 48 तीन 51 जीरो, दो ढीट के बाद दशमलव, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा SI, और प्रिंसिपल है 86 रुपए, इसे जोड़िए और आंसर बताइए। 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 5 13, 137.60 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा 137.60 होगा। कैसा लगा लॉजिक? सीधी सी बात है, पहला उद्देश्य हमारा बच्चों ये होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और यू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 15%, और 4 साल का अगर हम निकालेंगे तो 15 चौक 60%, 86 का 60% निकालोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, एक एक चीज को हम धैर्य पूर्वक समझेंगे और जानेंगे, धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे। कहता है क्या, क्या कहता है उसको समझो। कहता है 3/1² × 2² + ऊपर 5 है, बोलो हां, नीचे 2² × 3² + फिर देखो 7 ऐसे हैं, नीचे 3² × 4² और ऐसे ही एंड सो ऑन चले जाओ, क्योंकि काफी दूर तक जा रहा है। ये 17 है, नीचे नीचे जाओगे तो 8² × 9² और 19 है तो 9² और 10² दोस्तों आपको पहले एक बात बता दी जाए, बड़ी सिंपल सी बात को आप समझो। सर क्या बात को समझना है? देखो 1² × 2², इसको हम ये लिख सकते हैं 1 - 1/2² 1/2 का स्क्वायर। सर क्यों? 2 का स्क्वायर 4, ये 1 गया तो ऊपर आया 3, देखो ये 3 है। ऐसे ही अगर हम 1/2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। 9 में से 4 गया, 5 आया, तो यहां पर हमें ऊपर 5 दिया गया है और नीचे ये 3 दिया गया। बोले बोलो हाँ, तो बस इसको ऐसे ही ब्रेक कर दो, मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, इसी पैटर्न को बच्चा ये फॉलो करेगा। जी हां दोस्तों, जब इस पैटर्न को फॉलो करेगा 1/8 स्क्वायर, 1/9 स्क्वायर, 1/9 स्क्वायर माइनस का 1/10 स्क्वायर। दोस्तों एक और बात को समझो, क्योंकि क्वेश्चन तो हटाया ही जाएगा, हट गया, अब देखो खेला हो बे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो सिर्फ पहला और लास्ट बचा 1 - 1/100। यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 99/100। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 99/100 आएगा। आशा है आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे वे में समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। जी हां दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे और मुस्कुराएंगे। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भाषा को समझना पड़ेगा तभी होगा, नो डाउट। 7वां भी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये सारे सेट ही अच्छे हैं, बस लगाने वाला चाहिए, लगाने वाला चाहिए। जी हां दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है यदि एक पुस्तक के अंकित मूल पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। अब एक चीज समझो, एक पुस्तक के अंकित मूल पर, देखो एमआरपी पर बात कर रहा है, माना किसी पुस्तक का एमआरपी 100 रुपए है, इस पे 10% एमआरपी पे 10% कमीशन, मतलब उस एमआरपी पे 10% कमीशन दे रहे हैं, मतलब वह वस्तु हमारी 90 रुपए, 10 रुपए हम कमा रहे हैं, वो बात की बात है, 90 रुपए पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो प्रकाशक को 20% का लाभ हुआ, प्रकाशक को 20% का लाभ हुआ। पहले एक चीज समझो, यहां खेला हो गया, यहां खेला हो गया, पहले समझो, हमने एक किताब आपको पकड़ाई और हमने कहा भैया इस किताब को आप 100 रुपए में बेचोगे तो हम आपको 10 रुपए देंगे,
पहले बात को समझो, हम आपको 10 रुपए में देंगे भाई, 100 रुपए में बेचा 10% कमीशन आपका, 90 रुपए हम आपसे लेंगे। समझ गए ना, मतलब 100 रुपए में बेचा आपने ये किताब, 10% आपका कमीशन, हटा दोगे तो आप मुझे कितना दोगे, 90 रुपए। पहले बोलो हाँ। और प्रकाशक को कह रहा है 20% का लाभ होता है, मतलब प्रकाशक ने ये चीज, 5 की चीज 6 में थी, 6 बराबर 90 के मतलब इसमें 15 का गुणा हो रहा था, मतलब प्रकाशक के लिए ये किताब 75 रुपए की पड़ रही थी, प्रकाशक को ये किताब 75 की। अब कह रहा है यदि कमीशन 15% कर दें, मतलब 100 रुपए की किताब आप बेचते हो तो 15 रुपए कम आप रख लो, 85 रुपए हमको दोगे, तो हमें कितना लाभ होगा, 75 से 85 हमें 10 रुपए का लाभ होगा आउट ऑफ 75 गुणे 100। मेरे मासूम से दोस्तों, ये कला होती है सीखने की, ये 4 ये 3 40/3 13 सही 1/3% का लाभ होगा। एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूं, समझो ये मार्कर, मैं कह रहा हूं कि भैया 100 रुपए में आप बेचोगे हम आपको 10 रुपए कमीशन देंगे, इसका मतलब आपने हमें 90 रुपए दिए तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 की चीज 6 में 6 बराबर 90 के तो 15 गुणा तो ये भी 75 का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 75 आ गया। फिर मार्केट डाउन था, हमने कहा कुछ तो कमा ले इस जमाने में, तो हमने क्या किया, इसी मार्कर को बोला कि भैया इस मार्कर को बेचो, अब हम आपका कमीशन बढ़ा देते हैं 15% कर देते हैं, तो आप हमें 85 रुपए दोगे, तो 75 की चीज 85, 10 रुपए का हमको लाभ हुआ आउट ऑफ 75 गुणे 100, 13 सही 1/3। एक बार मुस्कुराइए, एक अच्छा क्वेश्चन आज सीख गए, बोलो हां। दोस्तों 8वां नंबर सीखेंगे वो भी मुस्कुरा के, हर चीज सिखाई जाएगी सिर्फ मुस्कुरा के। दोस्तों हर चीज सिखाई जाएगी सिर्फ मुस्कुरा के। कहता है 4 विभिन्न बॉक्सों में 5 विभिन्न गेंदों को हम कितने तरीके से वितरित कर सकते हैं, जबकि बॉक्सों के अंदर क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, तरह खाली बक्से स्वीकार नहीं है। तो सीधी सी बात है, 4 विभिन्न बॉक्सों में 5 गेंदे, तो 5 गेंदे तो 4 1 2 3 4 4 डब्बे 5 गेंदे, तो पहले में कोई भी 5ों में से कोई एक आ सकती है, एक इसमें चली गई तो बचे 4 फिर 3 और फिर 2, 120 आंसर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं 5P4, तो इसमें 5 फैक्टोरियल और इन दोनों का अंतर 1 फैक्टोरियल, ये भी 120 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 120। ठीक है, 8वें के बाद हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। जी हां दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की ओर सीखेंगे, मगर प्यार से, हर चीज सिखाई जाएगी। क्या कहता है, किसी साइकिल के अंकित मूल पर 20% छूट देने के बाद साइकिल का मूल 800 होता है। बच्चा 3 बातों पे हमेशा ध्यान देना, CP MP और SP। किसी साइकिल के अंकित मूल पर 20% छूट देने पर साइकिल का मूल 800, मतलब ये 800 है, 20% की छूट दी है, मतलब आपने 5 की चीज 4 में दी है, तो 4 बराबर 800, 5 बराबर 1000, मतलब इसका MRP 1000 रुपए हो गया। सीधी सी बात, 1000 रुपए की चीज में 20% डिस्काउंट, तभी तो 800 मिल रहा है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। अब छूट ना दे दुकानदार को 25% मतलब 1/4, 4 की चीज 5 में, 5000 के मतलब 200 का गुणा हो रहा है, 5000 के 200 का गुणा, तो इसका MRP होगा 800। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 800 होगा। एक बार मुस्कुराना और कहना हां सर, हां सर, हां। चलिए 9वें के बाद 10वां एक खतरनाक क्वेश्चन है, फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत है, ज्यादा है, समझो। कहता किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रयोजन के कारण वर्ष में 0.5% घट जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है एक तरीके से। 4% बढ़ी और 0.5% कम हो गई, मतलब जनसंख्या 3.5% बढ़ रही है।
तीन वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब 3.5% जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कहने का मतलब यह हुआ, पहले बोलो हां। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। एक साल में 3.5%, पहले समझो साधारण ब्याज के, एक साल में 3.5%, अगर मैं साधारण ब्याज के हिसाब से देखूं तो 10.5% तीन वर्ष में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। क्यों? एक साल में 3.5% तो तीन साल में सारे ये बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। बहुत हाईटेक सोल्यूशन बता रहा हूं, 10.5% तो आपका ऑप्शन है, और ये चक्रवर्ती ब्याज लगता है, एक तरीके से सीआई के पैटर्न पे जाएगा, और जब सीआई के पैटर्न पे जाएगा तो 10.5% से ज्यादा आंसर आएगा, और 10.5% से ज्यादा आंसर में ऑप्शन में एक ही है 10.8%, तो इसका राइट आंसर 10.8%। कभी कभी ऐसे करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। अब कोई बच्चा कहते ना सर वाई दिस कोलावरी, हम तो करेंगे करेंगे, तो फिर क्या करो 3.5% लिखो, इसका 7/2 अर्थ होता है 1/100, ऐसे हो गया। मालूम चला 200 की चीज 207 में जा रही है, 200 की चीज 207 में, तीन साल है तो इसका होल क्यूब करो और इसका होल क्यूब करो, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालो और डिवाइड बाय इससे गुणा 100, फुल्ली कैलकुलेटिव और आप समाप्त। तो ये सॉल्यूशन आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है, और आपको प्यारा सॉल्यूशन हमने बता दिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मगर प्यार से याद रहे हम निरंतर। देखो हमने पहले बताया कि इस किताब में क्या हुआ है कि किताब में 1250 क्वेश्चन, 50×25 1250 क्वेश्चन है, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन रिपीट हैं, और वो होने भी चाहिए तभी तो बच्चा सीखेगा। स्पीड कहां से आएगी, जब क्वेश्चन देखकर आंसर आएगा तभी तो बढ़ेगी। देखो दो स्टेशन ए और बी के मध्य की दूरी 230 किलोमीटर है, दो स्टेशन है ए और बी जिनके बीच की दूरी 230 किलोमीटर, हमें कोई आपत्ति नहीं। दो मोटरसाइकिल सवार ए और बी से विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, 3 घंटे के बाद उनमें 20 किलोमीटर की दूरी है, यदि एक मोटरसाइकिल सवार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल सवार की किलोमीटर प्रति घंटा में गति, माना इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी x बढ़ा दो, 3 घंटे में ये 3x चलेगा, 3 घंटे में ये 3x+10 चलेगा, और चलने के बाद यहां तक पहुंच गया ये और ये दूरी 20 किलोमीटर बची, तो उन्होंने चली कितना, चला 230 में 20 घटा दो, उन्होंने 3 घंटे में 210 किलोमीटर चला, बस खेला हो बे, ये 3x ये 3x ये 6x हो गया, और 30 210 में घटाओगे 180 आएगा बच्चा, तो x बराबर 30 हो गया। बोलो हां, मतलब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वाया ऑप्शंस हम भी कर सकते थे पर किया नहीं, क्योंकि एक लाइन का सोल्यूशन है, 30 और 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 11 के बाद 12 पढ़ेंगे, मगर मुस्कुरा के। प्यारे दोस्तों हर चीज हमारे मुस्कुराने से क्या होगी, सॉल्व होगी। 12 नंबर, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, सेट नंबर 37 में भी है, उल्टा करा रहे हैं तो हमें मालूम है, जब आप 36 से 37 जाओगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 37 में भी सेम क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ 0 होती है, किसकी, मैन पोल फ्लैग ट्री की। अब दो रेलगाड़ी है सेम डायरेक्शन में जा रही है 90 और 70, मतलब इनकी सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड 90 और 70 का अंतर हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर 90 और 70 का अंतर 20 किलोमीटर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और उसमें वह 20 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 20,000 मीटर, और हमसे कह रहा है 36 सेकंड में खेला हो बे, तो बच्चा 200 मीटर लेंथ होगी जिस ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि दूसरी ट्रेन में तो व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है तो उसकी लेंथ 0 कहलाएगी,
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर होगी। पढ़ेंगे मगर प्यार से और दिन रात पढ़ेंगे, मेहनत जो करेगा उसी को फल मिलेगा, सीधी सी बात है। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है, हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि करता है, यदि 4 वर्ष बाद 1200 रुपए और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 है तो उसका शुरुआत का वेतन क्या है। प्यारे दोस्तों 4 वर्ष में उसको 1200 रुपए मिलते हैं, मतलब 4 और 11 वर्ष के बाद उसका वेतन जो होता है 1550 होता है। प्यारे दोस्तों इसका जो अंतर है वो 7 वर्ष है, 7 वर्ष में उसका जो इंक्रीमेंट हुआ 350 रुपए हुआ, 1 वर्ष में 50 हो रहा है, तो 200 जोड़ा गया होगा 1000 में, तो उसका स्टार्टिंग वेतन जो होगा वो 1000 रुपए होगा। कितना? 13 का आंसर 1000 आएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन मानक विचलन का क्वेश्चन है। बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, सर कैसे करते हैं? देखो मगर प्यार से हमें जो वैल्यू दी गई है 10, 11, 9, 11, 9, बोलो हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, एसडी की वैल्यू चाहिए, तो ये अंडर रूट में होगा सिग्मा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होता है। अब सर डी क्या होता है वो समझो, डी में क्या ये नंबर और माइनस माध्य, माध्य तो सबसे पहले इसका माध्य निकालोगे तो ये 20 ये 20, तो इसका इस क्वेश्चन का जो माध्य आएगा वो 10 आ जाएगा, माध्य मतलब एवरेज इसका 10 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते 10 में से 10 गया 0 तो 0 का स्क्वायर, 10 में से मतलब 11 में से 10 गया 1 का स्क्वायर क्योंकि अंतर लेते हैं सिग्मा, 9 में से तो ये भी 1 का स्क्वायर, सभी 1 के स्क्वायर हो गए। नीचे टोटल 5 लोग हैं, 4 तो बाहर 2 आया, 2 अपॉन रूट 5 इसका आंसर होगा। ये प्यारा क्वेश्चन है, YCT की मैथ पढ़ो यूथ कंपटीशन की खुशी मिलेगी। 14 के बाद अब हम चलेंगे 15 में। दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, समझने का अंतर होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इजी पर अच्छा क्यों है वो अभी समझाएंगे, अच्छा क्यों है वो अभी समझाएंगे। कहता है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। अब यहां से मालूम चल गया कि ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा, बोलो हां, तभी ऐसा पॉसिबल है अन्यथा नहीं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, इनमें से एक संख्या 10 है, इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी क्या होगी। अच्छा एक चीज समझो, एक संख्या 10 है तो दूसरी क्या होगी, वो बात की बात है, ये 2x में से x गया तो ये x आया और ये 3y की हो गया, ये 3y की हो गया। अब आपके सामने x बड़ा है, x बड़ा है और ये 3y के सामने हो गया, तो आप यहां समझो जो y की वैल्यू है वो आप 10 लोगे, 10 रखोगे तभी x 30 आएगा और ये बड़ा हो गया, 1:3 के रेशियो में भी होना चाहिए, सीधी सी बात है। बाकी अब जो 3:1/3 है, अगर मैं 3:1/3 ले लूंगा तो फिर खेला हो जाएगा, एक तो फ्रैक्शन में आएगा और यहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहां पर 30 लेंगे। तो आप समझ गए होंगे यहां पर y बराबर 10 रखेंगे तब आंसर आएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, ठीक है, तो सीधी सी बात ये बड़ा होगा वरना अंतर निगेटिव नहीं हो जाएगा। जब 3y बराबर x मतलब x को अगर हम यहां पर 10 कर दें, पहले सुनो x को 10 कर दें तो y वो हो जाएगा, पर यहां रखोगे तो फिर बराबर नहीं आएगा, इसलिए यहां पर y को 10 रखोगे तो y 10 x 30 तो दूसरी संख्या 30 होगी, मुस्कुराइए और बोलो हां। प्यारे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो SCF लेते हैं और उसी से आंसर निकालते हैं, उसी को 2 बार कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर 75 सेंटीमीटर है, 10 10 75 और दूसरा
825 है तो 825 है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों 25 के मल्टीपल होंगे, मतलब इसका एचसीएफ लोगे आप तो 25 का मल्टीपल। सर कैसे, या तो आप दोनों का अंतर 250 लो, 250 भी 25 तो 250 तो है नहीं, 25 का मल्टीपल, क्योंकि 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे ऑड नंबर है, तो इवन तो हटाना, दो से भी नहीं जाएंगे, अरे 10 दो बोले 5 होगा ना, पहले बोलो हाँ, तो 5 तो हम भले शामिल कर लें कि 125 तो 125 तो जाएगा नहीं, तो दो ये ऑड है ये इवन है तो इसको हटा दो, 25 इसका एचसीएफ होगा, तो भैया 25 × 25 आंसर आएगा। आपको अगर दिक्कत है तो 25 से भाग दो, 10 × 40 = 43 ये बार में जाएगा, 8 × 32 = 33 बार में जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ 25 ही होगा, तो 25 × 25 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 के बाद एक 17 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, धैर्य संयम और विवेक से पढ़ना 17 नंबर क्वेश्चन को। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य संयम और विवेक से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी ने काम प्रारंभ किया और 10 दिन बाद उनके स्थान पर 18 औरतें आ गईं, तो 8 आदमी ने 10 दिन काम किया उनके स्थान पर 18 औरतें आ गईं, और औरतें आ गईं 16 दिन तक शेष काम किया, मतलब दोनों के द्वारा किया गया काम बराबर हो गया। फिर हमसे कहता है कि 18 औरतें संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगी, तो 18 औरतें संपूर्ण काम को एक्स दिन में, मासूम से दोस्तों इसे सॉल्व कर लो, ये 240 हो गया, ये 80 हो गया, 240 में 80 गया, 160 मैन आया, पहले बोलो हाँ, 18 वुमेन गुड़े 16, प्यारे दोस्तों 16 से ये 10 बार में गया, मतलब 10 मैन बराबर 18 वुमेन के। आप एक चीज देखो, अगर मैं मैन की कार्य क्षमता देखूं और वुमेन की कार्य क्षमता देखूं, तो हमें समझ में आ रहा है कि मैन की कार्य क्षमता 9 है और वुमेन की कार्य क्षमता 5 है, मैन की कार्य क्षमता 9 है और वुमेन की कार्य क्षमता 5 है। अब आप देखो जो हमें लिखा हुआ है कि 12 मैन गुड़े 20 और 18 वुमेन गुड़े एक्स, यहां पर हम रख देंगे मैन की कार्य क्षमता और वुमेन की कार्य क्षमता, तो मैन की कार्य क्षमता 9 है तो 12 × 9 × 20 हो गया, और वुमेन की जो कार्य क्षमता है वो 5 है, 18 × 5 × x हो गया। दोस्तों देखा ये जाए 18 पंजे 90 होता है, और ये 180 तो ये दो बार, 12 × 2 = 24, मतलब जो x का मान आएगा वो 24 आएगा, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17 का 24 हो जाएगा। चलिए 17 के बाद अब 18 सीखेंगे मुस्कुरा के, ये एक डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है 18 नंबर, हम आपको बहुत इजी वे से समझा देंगे इसका आंसर, 4² = 16 आएगा, और बड़े प्यार से हम सिखाएंगे आपको, चिंता मत करना सीखोगे प्यार से। ये 5-स्टार क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में भी आया हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सिखा देंगे इसे, 5-स्टार की श्रेणी में रखेंगे। प्यारे दोस्तों क्या कहता है, कहता है एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा, बोलो हां ये कहता है, ठीक है, और दूसरी बात खुल के कहता है कि एक्स साइन थीटा जो माइनस का उधर भेज दो वाई कॉस थीटा के, ये खुल के बोलता है। आप बस थोड़ी सी बात को समझना, अगर मैंने यहां x sin थीटा ऐसे लिखा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और y cos क्यूब थीटा बराबर 4 sin थीटा cos थीटा लिखा दोस्तों, तो x sin थीटा की जगह मैं y cos थीटा रखने जा रहा हूं, मतलब इस पोर्शन की जगह हमने y cos थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है बच्चा, y cos क्यूब थीटा है, और जो कि 4 साइन थीटा और कॉस थीटा है, बोलो हाँ दिख रहा होगा अभी। अब देखो कॉस थीटा ये एक पावर कम हुई 2 और ये,
अब देखो यहां से वाई वाई कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन वाई बराबर चार साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर में वाई की वैल्यू साइन थीटा तो सिमिलरली एक्स बराबर चार कॉस थीटा आएगा। जैसे ये किया है वैसे आप इधर रिप्लेस करके और दोनों के वर्गों को कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का चार चार का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वन हो जाएगा, तो 16 आंसर आएगा। मुस्कुराना ये बढ़िया तरीका है। तो चार का स्क्वायर 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, एक तो खुशी तो मिल रही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा 16 आएगा। चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे मुस्कान के साथ, क्वेश्चन नंबर 19 लगाएंगे। इसको दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है मेरे मासूम से दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, आपको खुशी जरूर मिलेगी। कहता है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। अच्छा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत 15 थी, तो आज क्या होगी? तो 5 औसत 20 होगी और 20 दुना 40 दोनों की आयु का योग। पहले बोलो हां, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष, तो राइट नाउ 20 और 20 × 2 = 40 हो जाएगी। अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष, तो 20 × 60 हो जाएगी। क्यों 20 × 60? यू नो गाइस, ईमानदारी से फिर समझो, 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 थी, तो राइट नाउ प्रेजेंट में 20 हो जाएगी। पहले बोलो हां, और 2 का गुणा तो 40 हो जाएगी। और PQR की औसत आयु समझ गए होंगे, अब एक बात समझ गए कि R की जो आयु आई वो 20 आ गई, क्योंकि 40 में 60 गया तो 20 आ गई। अब हमसे कहता है 10 वर्षों के बाद R की आयु क्या होगी? बच्चा R आज 20 साल का है, 10 साल बाद 30 का होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 होगा। कितना? 30। खुशी तो मिल रही होगी, 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 19 के बाद हम सीखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि x बराबर वाई के और y बराबर जेड के होता है। याद रहे ये क्वेश्चन का हमें फंडा मालूम होना चाहिए। हम आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई, एसएससी का क्वेश्चन है, फेवरेट एसएससी का जेड एक्स। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक्स बराबर वाई के और वाई बराबर जेड के, तभी ये कंडीशन आएगी। आपको नहीं मालूम है, हम आपके लिए लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी होता है। गाइस ये चीज समझ गए होगे, और इसी को जीरो के बराबर तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर वाई के, वाई बराबर जेड के और जेड बराबर एक्स के। जब x y z सब बराबर हैं तो ऊपर x तो नीचे 2x हो जाएगा, फिर ऊपर x नीचे 2x हो जाएगा, फिर ऊपर x नीचे 2x हो जाएगा। 1/2 1/2 1/2 3/2 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर 20 का 3/2 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना। चलिए आराम से सॉल्व करो, एक गुड पानी पी लेते हैं। क्या कहता है? कहता है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई? बच्चा गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल? आप गुरुवार की लाइन देखोगे तो 12 को टच कर रही है, पहले बोलो हां। शुक्रवार वाली लाइन देखोगे तो 10 को टच कर रही है, बोलो हां। शनिवार वाली लाइन देखोगे तो, जब शनिवार और सोमवार वाली लाइन देखोगे तो सोमवार वाली बिल्कुल 8 को टच कर रही है, शनिवार वाली थोड़ा सा नीचे है, 6 से ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब 7 में जा रही है। और
फिर गुरुवार और रविवार वाली लाइन को देखो, गुरुवार वाली 12 को टच कर रही, रविवार थोड़ा सा नीचे है, मतलब 11 को बस खिला हो भी, इसी को जोड़ लो बच्चा, 18, 12 और 10, 18, 12, 30, 10, 40, 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वो 40 आएगा। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से, 22 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। किसी न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई न्यूनतम संख्या है को 2000 में जोड़ने से 19 से 100% डिविजिबल होती है, तो बच्चा इसमें 19 से भाग दो, किससे 19 बन जा 19, ये 10 मतलब 100, 95, तो यू नो गाइस दस रिमाइंडर 5 आया शेष पर, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 14, क्योंकि 2000 से बड़ी तो इसमें 14 जोड़ दोगे, 2014 इज द राइट आंसर। समझ गए होगे, 500 बार YouTube में पढ़ाया गया है। 22 के बाद 23 नंबर, सम पंचभुज का प्रत्येक कोण क्या है। देखो जब कुछ नहीं बोलता तो ये इंटरनल अंता कोण पूछ रहा है, सम पंचभुज का प्रत्येक कोण क्या, बाहर का कोण क्यों पूछेगा, सीधी सी बात है। अब कोई कहेगा त्रिभुज तो अंदर का ही कोण पूछेगा जब कह रहा है, तो वैसे ही सम पंचभुज का प्रत्येक कोण क्या है प्यारे दोस्तों, एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय एन, यहां से हम प्रत्येक कोण निकाल लेंगे सम पंचभुज का। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, 5 रखोगे तो 5 माइनस 2 3 हो गया, नीचे 5 गुणे 180। मम्मा कहती है 5 से ये 36 बार में गया, 36 तीना 108, तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 108। तो सम पंचभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंता कोण 108 डिग्री का होगा प्यारे दोस्तों। खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे, ये 5 स्टार लगाकर सीखो। वैसे भी ग्रुप डी में, रेलवे में टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहता है, दो नल किसी टंकी को 45 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है, एक नल इसे 45 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में। एक बात समझो, अगर इन्हीं दोनों नल से, थोड़ा सा आगे भाषा में मालूम है, अगर इन्हीं दोनों से इस टंकी को भराया जाए, तो अगर हम देखें कि एक टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और बी से 30 मिनट में भर सकता है, यही दो नल काम करते हो तो 90, 2 और 3, 5 से भाग दोगे, मतलब टंकी को 18 मिनट में भर जाना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है इसलिए हमने तुरंत लिख दिया, आप पढ़ोगे तब करोगे। चलो हम पढ़ते हैं, दो नल किसी टंकी को 45 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है, तो सी पाइप उसे खाली करता है, इसका एलसीएम लोगे जो कि 90x आएगा, इससे भाग दोगे, इसकी कार्य क्षमता 2x, इसकी 3x और इसकी कार्य क्षमता माइनस का 90 आएगी। पहले बोलो हां, तो एक व्यक्ति भरे हुए नलों को खोलकर कहीं चला जाता है, वह तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे, मतलब खाली वाले को बंद करके, इसका मतलब ये कंडीशन हमें अलग से करनी पड़ेगी, ए 45 बी, तो वह टंकी अगर ए बी भर रहे होते तो 18 मिनट में भर जाना चाहिए, तो वह 18 मिनट के बाद आया, मालूम चला ये वाला पाइप भी खुला था, तो 5x माइनस 90, 18 मिनट के बाद ये इतना काम हुआ। तब उसने देखा कि सी पाइप भी खुला था, उसको बंद किया, अब कहता है टंकी 6 मिनट बाद भर जाती है, तो 6 मिनट, 1 मिनट में 5, 6 मिनट में 30, 30x भाई, 1 मिनट में 5x, 6 मिनट में 30x बराबर 90x के। अब यहां से जिसने x कैलकुलेट किया उसका आंसर आया 18 पच्चीस 90, 90 से 90 कट गया और ये 30x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 18, तो x बराबर 54, मतलब 54 मिनट में हमारी टंकी क्या भर जाएगी, खाली हो जाएगी। याद रहे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको दोबारा बता देते हैं, पूरी भाषा हमें याद हो गई एक तरीके से, ये समझो ए किसी टंकी को 45 मिनट भर सकता है, बी 30 मिनट में और सी उसे खाली करता है। हमसे बोला गया कि जब दो मतलब पाइपों को खोल के चले गए तो मालूम चला कि तीसरा खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया। हम उस समय आए कि जब ए और बी उस टंकी को भर सकते थे, तो ए और बी 18 मिनट भर सकते, तो 18 मिनट बाद आए,
तो मालूम चला 5x माइनस 90 गुणे 18, तो सी वाले पाइप को तुरंत बंद किया। अब ये दोनों मिलकर टंकी को 6 मिनट में भर देते हैं, तो 30 गुणे 5 गुणे 6 30x बराबर 90, देन कैलकुलेट देम, यू नो द राइट आंसर 54। यूथ में सेम क्वेश्चन है, उसको लगाइए और जीवन सुख पाइए। अंतिम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इस सेट का सेट नंबर 36, तो पीछे से आज 15 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, पीछे से 15 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, आगे से 10 हैं, टोटल 25 हो जाएंगे, 25 बचे जिसमें 10 YouTube पे होंगे और 15 बैक से प्रॉपर होंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब पढ़ाएंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, मतलब नाव की चाल x बराबर 7.5 किलोमीटर पर आवर, पहले बोलूं हां, अच्छा इसे हम u1 बोलेंगे क्योंकि आपको हमने u1 करके ही पढ़ाया, तो u1 बोलेंगे। नाव की चाल 7. क्योंकि शांत जल में नाव की ही चाल होती है, यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल है। अब हमसे कहता है वो एक स्थान से जाकर वापस स्थान पे आता है, तो 50 मिनट तो डिस्टेंस क्या, आने और जाने में उसे 50 मिनट लगते हैं, तो 50/60 समय लगता है। जब जाएगा डिस्टेंस डी, तो उसकी स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, नाव की स्पीड से होगा, जब आएगा तो दोनों की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि जाएगा डाउन स्ट्रीम आएगा अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में धारा की विपरीत, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ये इसका तरीका होता है। इसे 5/6 एलसीएम लोगे बच्चा, तो ये ऊपर हो जाएगा 5d, नीचे हो जाएगा 18, दिख रहा है ना, बराबर 5/6, 5 से 5 गया, डी बराबर 3 किलोमीटर आंसर आएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीजों को विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रेटिंग जरूर दो प्रकाश अवस्थी ऐप की 5 स्टार, और बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।